कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जहां उन्होंने कल के मंदिर के शिलान्यास के लिए उन्हें निमंत्रण दिया। इस दौरान उन्होंने ज्ञान भाभी पर आए फैसले का विरोध करने वालों पर भी निशाना साधा। देखिए, दुनिया में भारत एक ऐसा लोकतंत्र है जिस पर सवालिया निशान नहीं उठाया जा सकता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और न्यायपालिका पर भरोसा भी रखना चाहिए और न्यायपालिका का सम्मान करना चाहिए। भारत में रहने वाले अगर किसी व्यक्ति को भारत की न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है तो मुझे लगता है उसे भारत में रहने का अधिकार नहीं है। तो ज्ञान भाभी में पूजा पाठ होनी चाहिए, आप ये संत मानते हैं? अगर अदालत कहती है वो मंदिर है और वहाँ पूजा पाठ का आदेश देती है तो फिर इसमें क्या दिक्कत है? सर, उनका ऑल इंडिया मुस्लिम जो ये है, उनका ये भी कहना है कि जिन्होंने बाबरी तोड़ी थी या बाबरी तोड़ के इस तरीके से बना के यहाँ पे मंदिर जो बनाया, उस चीज़ को लेकर उन्होंने टारगेट करते हुए भी बात की है कि बाबरी तोड़ने वालों को जो है वो दिया जा रहा है, भारत रत्न दिया जा रहा है, इस तरीके की बातें की जा रही है। देखिए, ये बहुत ओछी मानसिकता है, संकीर्ण मानसिकता है। और हमारे यहाँ शास्त्रों में एक सूत्र है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। सारी दुनिया का इतिहास गवाह है कि मुगलिया सल्तनत में सैकड़ों मंदिर तोड़े गए और मंदिर तोड़ना गुनाह है जी। मस्जिद तोड़ना भी गुनाह है क्योंकि मंदिर और मस्जिद भगवान के घर हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि जो जो मंदिर तोड़ करके जो गुनाह किया गया है सैकड़ों सालों पहले, 19 फरवरी को श्री कल्की धाम का शिलान्यास हो रहा है, मैं उस शिलान्यास समारोह के लिए मैं आदरणीय राजनाथ जी को, भारत के रक्षा मंत्री जी को आमंत्रित करने आया था। मैंने उन्हें निमंत्रण दिया है, मैंने उनको आमंत्रित किया है और उनसे आग्रह किया है कि भगवान के होने वाले अवतार श्री कल्की अवतार श्री कल्की धाम का शिलान्यास समारोह जो हो रहा है उसमें वो पधारे। आज की मुलाकात का और कोई प्रयोजन नहीं है, कोई राजनीतिक दृष्टिकोण से इसको ना देखा जाए। श्री कल्की पीठाधीश्वर होने के नाते मैं श्री कल्की धाम के शिलान्यास के लिए उन्हें आमंत्रित करने आया था। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को भी मैंने आग्रह किया है, उन्होंने आने की स्वीकृति दी है और हम लोग चाहते हैं, देश के करोड़ों सनातन धर्म को मानने वाले चाहते हैं कि जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने भगवान राम के मंदिर का काम किया है और उसका भव्य मंदिर बन के तैयार हुआ, उसी तरह श्री कल्की भगवान के धाम का शिलान्यास भी माननीय प्रधानमंत्री जी करें। उन्होंने मेरी प्रार्थना को स्वीकार किया है और आज मैं रक्षा मंत्री जी को आमंत्रित करने आया था। और दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, 6 फरवरी को बीजेपी की बड़ी बैठक है, बीजेपी मुख्यालय में ये मीटिंग होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। बीजेपी के सभी राष्ट्रीय महासचिव शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों और सरकार के कामों के प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा होगी। शाम 5 बजे से बीजेपी मुख्यालय में ये मीटिंग होगी। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ही महत्वपूर्ण मीटिंग होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 6 तारीख को परसों यानी कि दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होगी। बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण मीटिंग होगी और सभी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव इस मीटिंग में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों और सरकार के कामों के प्रचार प्रसार को लेकर चर्चा होगी। शाम 5 बजे से बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। बड़ी खबर,